स्टूडेंट्स, दिवाली आ रही है, मैं कुछ आपको भी क्रैकर्स लेके आई हूँ। इन्हें आपको देखकर बताना है कि किन क्रैकर्स को हमें फायर करना चाहिए और किन क्रैकर्स को नहीं। पर मैम, ये तो सारे सेम है, सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस क्रैकर्स? ओके, इनमें से कुछ क्रैकर्स ऐसे हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और हमारे एनवायरमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल है, और कुछ क्रैकर्स ऐसे हैं जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और अपने एनवायरमेंट के लिए क्या है, सेफ है। पर मैम, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से क्रैकर्स फायर करने चाहिए और कौन से क्रैकर्स नहीं? ओके, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दिस। जैसे ये क्रैकर का पैकेट है, इसके ऊपर अगर आपको ग्रीन कलर का सिंबल दिखता है, ठीक है, ग्रीन कलर का लोगो या सिंबल दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रैकर लेस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और अपने एनवायरमेंट के लिए सेफ होगा। इन क्रैकर्स को अपन फायर कर सकते हैं। ये पैकेट है, इसके ऊपर भी आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये भी लेस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अब आप इस क्रैकर की पूरी पैकेजिंग के ऊपर देख सकते हो, कहीं भी ग्रीन कलर का सिंबल नहीं है। दैट मीन्स ये क्रैकर ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा, एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होगा। सो अपन को ऐसे क्रैकर्स को ना बाय करना है ना फायर करना है। अब ये एक चाइनीज क्रैकर है, इसकी लेबलिंग के ऊपर आप देख सकते हो चाइना का लेबल बना हुआ है। इन क्रैकर्स को ना तो हमें बाय करना है ना फायर करना, इससे अपना एनवायरमेंट भी सेफ होगा और इंडियन इकोनॉमी को प्रॉफिट होगा।